सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित दो दिवसीय सहकारिता मंथन के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की घाटे में चल रही बैंकों सहित सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में अपेक्स बैंक के अधिकारियों को पालक अधिकारी बनाया जाएगा। इसके जरिए बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही किसान, गरीब और पैक्स सोसाइटी को केंद्र में रखकर सहकारिता से हर व्यक्ति को जोड़ने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पैक्स सोसाइटी से अभी तक सिर्फ उचित मूल्य पर खाद्यान्न का विक्रय किया जाता था, अब वहां लघु वनोपज, दुग्ध संघ के साथ ही पतंजलि के उत्पादों जैसे साबुन, तेल सहित अन्य वस्तुएं विक्रय के लिए रखी जाएंगी जो लोगों की डिमांड में शामिल है। हमने जैसा मैंने बताया कि हमने कार्य पद्धति में नवाचार किया और ये सहकारी मंथन का कार्यक्रम किया और इसमें हमने केवल दो सत्र रखे हैं जिसमें उद्घाटन और समापन सत्र जिसमें मंचीय कार्यक्रम हुआ। उसके अलावा हमारा ये दो दिन का पूरा कार्यक्रम संवाद का कार्यक्रम रहा, एक दूसरे से संवाद, और उसमें हमने सब कैडर खत्म किया। उसमें हमने 9 सब्जेक्ट बनाए थे जो इस पूरे के पूरे सहकारी आंदोलन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी थे। वो सब्जेक्ट थे, हमारा पहला सब्जेक्ट था बैंकिंग, हमारा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है और वो नीचे तक जाकर लोगों की, किसानों की बहुत मदद भी करता है। तो बैंकिंग से रिलेटेड उसकी पूरी कार्य पद्धति, उसके जो भ्रष्टाचार है हुए हैं, यदि अनियमितताएं हुई हैं, उन सबको एड्रेस करते हुए हमारे अलग अलग सब्जेक्ट थे। उसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा था सहकारी बैंकों को अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकों के समकक्ष रखने की कार्य योजना, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कमर्शियल बैंक के साथ हमें कॉम्पीट करना है और हो सकता है विस्तार में हम बहुत ज्यादा हों, परंतु उनके साथ यदि हमें कॉम्पीट करना है तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतन मनन करना था और ये एक ग्रुप डिस्कशन हमारा हुआ। इसमें लगभग 15 हमारे अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि थे। इन लोगों ने 3-4 घंटे तक आपसी समन्वय करके बातचीत की और इस विषय पर क्या कुछ हो सकता है इसकी एक रिपोर्ट तैयार की। इसके साथ दूसरा हमारा सब्जेक्ट था सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियां और उसका उन्नयन, इनका अपग्रेडेशन, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सारंग ने कहा कि जिस तरह उचित मूल्य की दुकान है उसी तरह उचित मूल्य पर बिल्डिंग मटेरियल की संस्थाएं भी खोली जाएंगी। इससे एक ओर हमारे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा तो वहीं आम उपभोक्ता को शुद्ध और सही कीमत पर निर्माण सामग्री मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र विशाल और अपार संभावनाएं लिए हुए है। इस क्षेत्र में सही दिशा और दृष्टि के साथ काम करने की जरूरत है। देश का एक नई चीज, हम बिल्डिंग मटेरियल बैंक बना रहे हैं पहली बार। जैसे उचित मूल्य की राशन की दुकान होती है, अब उचित मूल्य की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी मध्य प्रदेश में आपको वो देखने को मिलेगी, उचित मूल्य की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो हम, हमारी सोसाइटी को रोजगार मिलेगा, हमारे सदस्यों को रोजगार मिलेगा, और दूसरा जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको सस्ते में अच्छी गुणवत्ता का और अच्छी उपलब्धता का सामान मिलेगा। हम बड़ी बड़ी सीमेंट एजेंसी, सीमेंट कंपनियों से बात करेंगे, जब हम बल्क में सीमेंट लेंगे तो वो हमें निश्चित रूप से कुछ रिबेट देंगी, जब वो जो रिबेट हमें देंगी वो हम इजराइल तक पहुंचाएंगे। उसके साथ ही हम आवास संघ के माध्यम से जो हाउसिंग सोसाइटी में 15% की जमीन खाली पड़ी हुई है जो निम्न आय वर्ग के लिए, उसमें हम हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। मैंने बताया उपभोक्ता संघ में हम एक एक पैक्स में नया व्यापार देंगे, वो उपभोक्ता संघ उससे खड़ा होगा, सहकारी संघ में अलग स्तर से हम अपनी जो भी हमारी संस्थाएं उनको वित्तीय बैकअप देंगे। सारंग ने कहा कि सहकारिता में काम हो और निगरानी भी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारी लोकपाल में गठन की घोषणा कर पूरे देश में पहली बार एक अभिनव पहल की है। उन्होंने कहा कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने और इसे पूरी धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा से तय हो गया है कि सहकारिता क्षेत्र की तस्वीर अब उज्जवल है और प्रदेश के विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।